हरिओम। संत श्री आशाराम जी गुरुकुल सूरत के ऋषि कुमारों द्वारा प्रस्तुत है एक छोटी सी काल्पनिक नाटिका सत्यमेव जयते। नाटक के सभी पात्र काल्पनिक है। इनका किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से कोई संबंध नजर आता है तो एक संयोग मात्र है। हरिओम। श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। आज तो मैं अपने प्रभु के दर्शन जी भर के करूंगा। कई दिन बीत गए, मैंने अपने नारायण के दर्शन नहीं किए। अरे लेकिन ये मृत्यु लोक से प्रकाश पुंज क्या नजर आ रहा है? प्रभु के दर्शन तो करने ही हैं। चलो थोड़ा मृत्यु लोक का रटन करके आते हैं। नारायण नारायण। इस वेशभूषा में मैं धरती पे जाऊंगा तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे वेश बदल के ही जाना पड़ेगा। हाँ यही सही रहेगा। अब सही है, अब मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। My child, come here. हम तुम्हारे लिए बहुत सारा गिफ्ट लाया है। Come here, यहाँ आओ बच्चों। नारायण नारायण नारायण। अरे ये लाल रंग की बंदर टोपी में कौन है? नारायण नारायण नारायण। ओ बंदर टोपी वाले, यह सब क्या बांट रहे हो तुम? मैं मंकी टोपी नहीं, आई एम सांता क्लॉज। नारायण नारायण, यह कैसा अजीबोगरीब नाम है, सांता क्लॉज। अच्छा अच्छा, वह सब छोड़ो, यह बताओ यह वृक्ष किस चीज का है जिसमें से प्रकाश पुंज निकल रहा है? क्या तारे जमीन पर आ गए हैं? यह कल्प वृक्ष तो नहीं लगता। यह कल्प वृक्ष नहीं है, यह क्रिसमस ट्री है और आज क्रिसमस डे है जिसमें लाइट लगे हुए हैं। यह प्लास्टिक का पेड़ है। नारायण नारायण नारायण, प्लास्टिक का पेड़, यह कौन सी नई मुसीबत है? ऐसा भी कहीं होता है कि प्लास्टिक के पेड़ की पूजा की जाती है? उससे क्या फायदा होगा? पूजा तो पीपल वृक्ष, वट वृक्ष या तो तुलसी माता की जाती है, जो हमें नित्य शुद्ध हवा देते हैं। और मुझे नजर आ रहा है यह लोग मदिरा पान किए हुए हैं। और मदिरा पान करके ऐसे कौन से भगवान की पूजा की जाती है? नारायण नारायण। यही तो हमारा कल्चर है माय चाइल्ड। डू यू वांट टू ड्रिंक समथिंग? नारायण नारायण नारायण, आप हमें धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हो। यह सब क्या हो रहा है प्रभु? आपने सृष्टि की रचना किस लिए की थी और यह सृष्टि में क्या क्या हो रहा है मेरे नाथ? नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। हे स्वामी, हे मेरे नाथ, हे नारायण 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 नारायण।
हे नारद, इतने व्याकुल क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ? हे प्रभु, मृत्यु लोक में जो दृश्य मैं देख कर आया हूँ, उससे तो मेरा हृदय कांप उठा है। हे नारद, ऐसा तो मृत्यु लोक में क्या देख लिया तुमने? हे प्रभु, मृत्यु लोक में मदिरा पान करके लोग किसी प्लास्टिक के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। जो तुलसी माता असंख्य रोगों का हरण करती है, 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करती है, ऐसे तुलसी माता को छोड़कर लोग प्लास्टिक के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। यह क्या हो रहा है कलयुग में नाथ? यहाँ तक तो ठीक है मेरे प्रभु, पर वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी मदिरा पान करके नृत्य कर रहे हैं, और एक बंदर टोपी वाला व्यक्ति कुछ चीजें बांट रहा था। उससे उसका नाम पूछा तो वह कुछ क्लोज क्लोज बता रहा था। ये सब क्या हो रहा है प्रभु? हे नारद, लगता है तुम पश्चिमी देश में भ्रमण करके आए हो, जहाँ की संस्कृति भोगों में डूबी पड़ी है, जहाँ तुम्हें सही और गलत की राह दिखाने वाले संतों का अभाव है, वहाँ का जीवन कल्पनाओं के आधार पर ही लोग जी रहे हैं, और जिस क्लोज की तुम बात कर रहे हो वह वहाँ का एक काल्पनिक व्यक्तित्व है, जिसे सांता क्लोज या सेंट निकोलस या सिर्फ सांता के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से लोक कथाओं में प्रचलित एक व्यक्ति है। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, केवल लोक कथाओं के आधार पर अपने क्षणिक सुख भोग के लिए पश्चिमी लोग भोगों में लिप्त होकर यह कौन सा अनाप शनाप पर्व मना रहे हैं? प्रभु, ऐसा ही चलता रहा तो जिस उद्देश्य के लिए आपने मानव का निर्माण किया था कि जो धर्म के अनुरूप चलकर ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करे, वह आपका उद्देश्य तो धरा का धरा ही रह जाएगा और धर्म की हानि हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त नारद, तुमने केवल पश्चिमी लोगों को ही देखा है, अब तुम पूर्व के विस्तार में जम्मू द्वीप में भारतवर्ष में जाओ, जहां मैं धर्म की स्थापना के लिए कई बार अवतरित हुआ हूं, और इस गौर कली काल में संतों के रूप में अभी भी अवतरित हूं। आज भी धर्म की स्थापना के लिए संत महापुरुष चंदन की नाई घिसकर संसार में पचे लोगों को धर्म की राह पर ला रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। जो आज्ञा प्रभु, जहाँ संत है वहाँ तो मैं अवश्य जाऊंगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। तुलसी महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। चंदन तिलक लगाए तुमको। नारायण नारायण नारायण। वाह प्रभु वाह, आपकी महिमा अपरंपार है, यहाँ तो तुलसी पूजन हो रहा है। जय हो मेरे प्रभु की। यह जो आनंदमय वातावरण है, यह तो केवल संतों के सानिध्य का ही प्रभाव हो सकता है। संत ही सच्चा ज्ञान और सच्चे सुख की राह दिखा सकते हैं। नारायण नारायण। हरि ओम प्रभु जी, आप कहाँ जाए हो? चलो, तुलसी पूजन हो रहा है, आप भी पूजन करने आओ। क्या मैं? आप मुझे बुला रहे हो? हाँ प्रभु जी, आप ही। ये संत महापुरुष कौन है? ये हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू है। आज जो शांति का अनुभव आपको यहाँ हो रहा है, यह इन महापुरुष की तो देन है। इन्हीं की वजह से तो हम जैसे छोटे छोटे बच्चे भी
तुलसी की महिमा जान पाए हैं, अपने माता पिता की महिमा जान पाए हैं, अपने संस्कृति की महिमा जान पाए हैं। तो अभी कहाँ है आपके गुरुदेव? हमारे प्यारे गुरुदेव अभी कारागृह में है। लेकिन क्यों? अब तो अपना तन मन धन समाज के हित के लिए लगा दिया, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी जो तैयार है, ऐसे संत पर यह समाज कितने अत्याचार कर रहे हैं। हे नाथ, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम, रक्ष माम प्रभु, रक्ष माम। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, यह मैं क्या देख रहा हूँ? भारतवर्ष में भी प्लास्टिक के पेड़ की पूजा हो रही है। यहाँ पर भी बंदर टोपी वाले लोग बड़ी तादाद में दिख रहे हैं। नारायण नारायण नारायण, यहाँ पर भी लोग मदिरा पान कर रहे हैं, अभद्र संगीत पर नृत्य कर रहे हैं। नारायण नारायण, यह पश्चिम की हवा पूर्व में कैसे आ गई? क्या हो गया है मेरे भारतवर्ष को? नारायण नारायण नारायण। हे प्रभो, हे नाथ, आपने जो संतों की महिमा बताई थी, आपके भारत वर्ष में वह भी डामाडोल की स्थिति में देखी मैं। भारत वर्ष में भी लोग प्लास्टिक के पेड़ की पूजा करते नजर आए, मदिरा पान करते हुए दिखे, और मुख्य बात तो यह कि भारत के महान संत संत श्री आशाराम जी बापू कारागृह में हैं।
इन सब का कारण क्या है प्रभु? भारतवर्ष में भी धर्म की हानि हो रही है प्रभु। हे नारद, पश्चिम की हवा भारतवर्ष में भी पहुंच गई है। इसका मुख्य कारण है संतों की अवहेलना, संतों के बताए हुए मार्ग पर न चलना, संतों की निंदा करना, निर्दोष संतों के दोषारोपण करना। और इस तरह के महान संत अगर कारागृह में है तो उसका मुख्य कारण यही है कि उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, सनातन धर्म का सत्य निडर होकर समाज के सामने रखा। इसलिए पश्चिमी धर्म विरोधी तत्व उनके विरुद्ध हो गए। मदिरा पान, मांसाहार, विभिन्न प्रकार के नशा करने वाले लोग संतों के विरोधी हो गए और परिणाम स्वरूप उन्होंने षड्यंत्र करके एक महान संत को कारागृह में रखा है। पर हे नारद, सूर्य के समक्ष बादल आने से सूर्य का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार संत तो धधकता सूर्य है, उनके सत्य रूपी प्रकाश को कौन ढक सकता है? सत्य की जीत अवश्य होगी और संत श्री आसाराम जी बापू एक दिन निष्कलंक निर्दोष होकर समाज को ज्ञान का प्रकाश बांटेंगे। हरिओम। इस छोटे से नाट्य रूपांतरण का एक ही उद्देश्य है कि हम सब एकजुट होकर हमारे गुरुदेव के दैवी कार्य का सुप्रचार हम जोर शोर से करें। आज हमारे प्यारे गुरुदेव की उम्र 85 साल से भी ज्यादा है, फिर भी गुरुदेव देवी कार्य में लगे हुए हैं। अपने स्वास्थ्य की भी परवाह ना करते हुए कारागृह में कष्ट सहन कर रहे हैं, केवल और केवल हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सेवा कार्य में जुड़ जाएं। आज का युग डिजिटल युग है, तो हम सेवा कार्य भी डिजिटल ढंग से ही करेंगे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर गुरुदेव के दैवी कार्य के वीडियो निसंकोच डालें, सत्य जन जन तक पहुँचाए। हम सब लोग कहते हैं कि बापू जी के करोड़ों शिष्य हैं। हम चाहे तो क्या नहीं हो सकता, पर हम क्या कर रहे हैं? उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न में आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर हम करोड़ों शिष्य हैं तो आश्रम की ऑफिशियल चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं? 5 लाख से ऊपर एक भी चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, क्यों? हमारे एकता में कमी है, इसलिए मैं सबसे गर्वित प्रार्थना करता हूँ कि हम सब एकजुट हो जाए। आओ हम सब मिलकर संकल्प करते हैं। सब लोग तैयार है ना मेरे साथ संकल्प करने के लिए? सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, मैं संकल्प करता हूँ कि मैं संकल्प करता हूँ कि मैं आश्रम के ऑफिशियल चैनल के दस सब्सक्राइबर अवश्य बढ़ाऊंगा, अपने स्टेटस पर, गुरुदेव के दैवी कार्य के फोटो, एवं वीडियो, अवश्य रखूंगा, मुझे गर्व है कि मैं बापूजी का शिष्य हूँ। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ।